दोस्तों, स्वाइन फ्लू व मौसमी फ्लू सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन दोनों बीमारियों में अंतर बहुत गहरा है। जी हाँ, जिस तरह से एक बार फिर से दिल्ली सहित अन्य राज्यों में स्वाइन फ्लू का मामला सामने आया है, ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है। इस अंतर को समझने के लिए हमें बीमारी के लक्षणों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह हम इस रोग को फैलने से रोक पाएंगे तथा स्वयं को बचाने के लिए उचित कदम उठा पाएंगे। तो आइए जानते हैं दोनों फ्लू में बड़े अंतर। सबसे पहले बात करते हैं साधारण फ्लू, मौसमी वायरस के माध्यम से फैलने वाली एक श्वास प्रश्वास संबंधी बीमारी है, जिसमें गला, नाक, श्वास नली व फेफड़े प्रभावित होते हैं। आमतौर पर मौसमी फ्लू एक सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इस बीमारी की अवधि लंबी हो जाए तो आपको डॉक्टरों की सलाह से एंटीबायोटिक दवाएं लेनी पड़ सकती हैं। गले में खराश, बुखार, नाक का बहना एवं थकान इस बीमारी के लक्षण हैं। हालांकि हमारा शरीर इस तरह के मौसमी फ्लू से परिचित रहता है तथा इससे लड़ने के लिए भी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह तैयार रहती है। अब बात कर लेते हैं स्वाइन फ्लू की। जी हाँ, स्वाइन का मतलब है सुअर व संक्रमित सुअरों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंची इस बीमारी को स्वाइन फ्लू कहते हैं। संक्रमित सुअरों के साथ रहने वाले व्यक्ति स्वाइन फ्लू की चपेट में आ सकते हैं तथा आगे चलकर वे व्यक्ति अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। इस फ्लू को फैलाने वाले वायरस का नाम H1N1 है। पहली बार यह बीमारी 2009 में अस्तित्व में आई थी तथा तब से हर साल यह बीमारी कम या अधिक मात्रा में देखने को मिल रही है। मौसमी फ्लू की तरह स्वाइन फ्लू भी एक श्वास प्रश्वास संबंधी बीमारी है, परंतु ये बाहरी गला, श्वास नली, फेफड़ों के साथ पेट व आंतों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्यूरियन हेल्डेक्स से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।